इधर दिया के को हम लोग का अब कोई वैल्यू नहीं है। सूद पर पैसा लेके कारोबार कर रहे हैं, कुछ लाभ नहीं हो रहा है। अभी सबका कोई पूछता नहीं है, फंस जाता है पैसा लगा के, कर्जा लेके दुकान खोलते हैं। पहले के बूढ़ा बूढ़ी है वही दिया मान रहा है जो ले रहा है, लेकिन लोग नहीं ले रहे तो हम क्या कर सकते हैं। दीपावली का पर्व नज़दीक आ चुका है और ऐसे में पटना का बाजार जो है वो सज चुका है। मुख्य तौर पर देखा जाता है कि जो चाइनीज लाइट्स होते हैं उससे घर को सजा दिया जाता है। हालांकि अगर मुख्य तौर पर माने मान्यता परंपरा को माना जाए तो जो मिट्टी के दिए बने होते हैं हाथों से चाक पर जो गढ़ के बनाया जाता है, मुख्य परंपरा उसी दिए को जलाने का है। हालांकि हमारे साथ दुकानदार जो हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए? जमुई से आए हैं। जमुई से आए हैं। क्या लगता है मार्केट इस बार का कैसा है? इस बार दिया के को हम लोग का अब कोई वैल्यू नहीं है। अब इस बार खाली पानी में जो डाला है, जो झकमक जलता है ना, अब उसका डिमांड ही सबका डिमांड नहीं है। अब देख रहे हैं अभी तो पूरा भरल है, अभी पीछे इधर देखिए सब भरा हुआ। अभी सबका कोई पूछता नहीं है, फंस जाता है पैसा लगा के, क्या बोले, बिक्री नहीं हो रहा है। देख रहे हैं कर्जा लेके दुकान खोलते हैं, वो भी वही हाल हो जाता है। पूंजियों छोड़ाते भी हालत खराब है। आ लास्ट दिन आज क्या होगा कुछ पता नहीं। पूंजी भी नहीं निकला? नहीं, पूंजी भी नहीं निकला। 50,000 दिए लाए वो में अभी नहीं, पूंजी तक अभी नहीं छूटा है। कितना दिक्कत होता है, आप लोग इतना मेहनत से बनाते हैं और आखिर बाद में मिलता नहीं और बाहर का जो माल है वो बिक जा रहा है। तो सब लाइट उस सब में थोड़ा फिनिशिंग है ना, इसमें हम लोग का तो हाथ से गढ़ा हुआ है, तो यही फर्क है। मुख्य परंपरा यही है कि यही दिया को जलाना चाहिए, हालांकि वो दिया मार्केट में आ गया है। अब लेकिन लोग नहीं ले रहे तो हम क्या कर सकते हैं, जला ही नहीं, ले ही नहीं रहे। देख रहे हैं पूरा भरा हुआ है। अभी देखिए, अभी इधर भी भरा हुआ है, उधर भी देख सकते हैं सब, अभी बोरा उधर भी है, इधर भी है, सब जगह है। अच्छा, अभी तो दिया बेचते हैं और बाकी समय में कैसे मतलब अपना काम चलाते हैं? ऐसी खेती उती करते हैं। कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है आखिर, जब ये सब सारा माल जो है नहीं निकल पाता है तब क्या करेंगे, इसको जुगा के रखना पड़ता है अगले साल। मेहनत लगता है ना, फेंक थोड़ी देंगे, इसी के लिए रखना पड़ता है जोगा के। देखिए अभी भी भाड़ा लगा। देखिए जो दिया है वो सारा बच चुका है और अभी तक मार्केट में दिया बाजार जो है वो सज चुका है, लेकिन दिया नहीं बिक रहा है। हालांकि इसका मुख्य वजह यही है कि मार्केट में चाइनीज दिया जो है वो आ गया है, फिनिशिंग के तौर पर लोग उसे अपना ले रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि परंपरा मान्यता जो है वो दिए का जो मुख्य रूप से शुद्ध दिया जो माना जाता है वो मिट्टी से बना दिया को ही माना जाता है। हालांकि हमारे साथ दुकानदार कितना दूर से आए हैं? आज से आना ही रहे, बेचते बेचते जवान हो गए हैं, यहीं पे। पिछला साल ठीक था, इस साल तब कुछ है ही नहीं है। पिछला साल ठीक, अब इस साल खराब हो गया। मतलब आज कहें तो आखिरी दिन ही समझिए दीपावली का, फिर तो कल पूरा दीपावली हो जाएगा। आज पूरा मार्केट है ये नहीं है सर, देखिए ना, अभी 2 मिनट में देखिएगा। अब वो मैं 200 बोलेंगे तो वो मैं कहेगा 150 दो, 100 कहेंगे तो वो मैं कहेगा 90 दो, 60 दो, ओकरों में मोल जोले करता है। तब बताइए, मतलब दुकान से सब कोई मॉल से खरीदता है तो मोल जोल नहीं करते हैं और यहाँ पर खरीदते हैं? हम लोग फुटपाथ वाले ना है सर, हम लोग से सब कोई 2 रुपया कम कराएगा। आप मॉल में जाइएगा तो आपसे कोई नहीं कम करवाएगा, यही फर्क है हम लोग में। हम लोग जब यहाँ हम लोग रोड पर रहते हैं, वहाँ एसी में रहता है, यही फ़र्क बस, ऊपर और नीचे का फर्क। तो देखिए जो बेचारे आए हैं दुकानदार, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, मार्केट से जाते हैं कि कुछ आमदनी हो जाएगा। हालांकि मार्केट तो सज चुका है, लेकिन दुकानदार जो है वो किस उदासी के साथ अपना दर्द जो है वो बयां कर रहे हैं कि जो बाहर की लाइट्स आ गई हैं फिनिशिंग तौर पर वो तो बिक जा रहे हैं, लेकिन हमारे हाथों का बना हुआ जो दिया है वो नहीं बिक पा रहा है। कितना दिक्कत हो रहा है ये लोगों के आप साफ सुन सकते हैं जो दिया बनाते हैं। कहाँ से आई हैं? हम दानापुर से आए हैं। दानापुर से आई हैं? दिया बनाते हैं, दिया बेचने आए हैं। बेचने आए हैं? सूद पर पैसा लेके कारोबार कर रहे हैं, कुछ लाभ नहीं हो रहा है। जहाँ तक दिया सब बच गया, अबड़ी के दम दिन अथी जा रहा है। दीपावली एकदम खराब। हाँ, मार्केट नहीं है, क्या करल जाए। सूद लेके आई हैं?
सूद दिया लेके आए के बिकेगा, क्या बिकेगा, पेटों पर आफत मार दिया। अच्छा पिछला साल ऐसा था कि पिछला साल बढ़िया, इससे अच्छा दिन जा रहा था, अच्छा समय था, अच्छा बिक्री था, अबरी के समय में नहीं है। अच्छा, लाइट सब आ गया है नया नया, वो भी हो सकता है, वही पर जाए, चनी दिया पर जा ही रहा सब। तो पहले के बूढ़ा बूढ़ी है, बूढ़ा बूढ़ी है, वही दिया ही मान रहा जो ले रहा है। देखिए जो क्या स्थिति है, वो दर्द भरा निकल कर सामने आ रहा है। जो दुकानदार हैं वो किस तरह से बयां कर रहे हैं कि मेन जो दिया है पारंपरिक दिया है, मान्यता प्राप्त जो दिया रहता है असली शुद्ध रूप से, वो नहीं बिक रहा है। और जो चाइनीज बाजार में लाइट्स आते हैं जिनका कोई मोल तोल नहीं होता है, वो दिया एक बार में जितना दाम मांगा जाता है उतना में खरीद लिया जा रहा है। हालांकि जब लोग यहाँ पर दिया खरीदने आते हैं और 200 रुपये सैकड़ा जब बोलते हैं तो इसमें मोल तोल किया जाता है कि 200 का है तो 150 में दे दीजिए, 150 का है 100 में दे दीजिए, और यहाँ पर मोल तोल किया जाता है। हालांकि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे चाइनीज बाजार में करेंगे तो वहाँ पर मोल तोल नहीं किया जाता। बाकी इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।